दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलर्स में से क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप जीतने का सपना एक बार फिर टूट गया। 37 साल के रोनाल्डो कुछ ही महीनों में अब 38 साल के हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर रोनाल्डो का वर्ल्ड कप जीतने का ये आखिरी मौका था। उन्होंने खुद भी एक इमोशनल पोस्ट के जरिए ये बात बयां की कि पुर्तगाल के लिए ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप था। रोनाल्डो एक महान खिलाड़ी हैं और उनके वर्ल्ड कप से बाहर होने पर तमाम फैंस ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी है। रोनाल्डो के एक फैन विराट कोहली भी हैं, जिन्होंने रोनाल्डो के लिए एक इमोशनल पोस्ट किया। मोरक्को से क्वार्टर फाइनल में मिली हार के बाद रोनाल्डो को रोते हुए मैदान के बाहर जाते देखा गया। जिसने भी ये नजारा देखा वो भी रोने लगा। भारतीय स्टार विराट कोहली भी रोनाल्डो के दर्द को देखकर दुखी हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके लिए एक लंबा पोस्ट शेयर किया। कोहली ने लिखा, आपने इस खेल के लिए जो भी किया है उसे कोई भी खिताब या ट्रॉफी कम नहीं कर सकती। मेरे साथ दुनिया के तमाम फैंस आपको देखते समय क्या महसूस करते हैं और लोगों पर आपका क्या प्रभाव है, इसे भी कोई भी खिताब बयान नहीं कर सकता। भगवान का दिया तोहफा है। कोहली ने आगे लिखा, एक ऐसे शख्स को शुभकामना जो हर बार अपने पूरे दिल से खेलता है और कड़ी मेहनत, समर्पण और किसी भी खिलाड़ी के लिए सच्ची प्रेरणा का प्रतीक है। मेरे लिए आप सर्वकालिक महान खिलाड़ी हैं। इस हार के बाद रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि शुक्रिया पुर्तगाल और शुक्रिया कतर। उनके इस पोस्ट के बाद माना जाने लगा है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप मैच था। अब कोहली के इस पोस्ट पर भी फैंस के मिले जुले रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग कोहली की इस बात से सहमत नजर आ रहे हैं तो वहीं कई लोगों का मानना है कि बिना टीम के लिए ट्रॉफी जीते आप महान खिलाड़ी नहीं कहलाते और कोहली अपने इस पोस्ट से खुद की कप्तानी में ट्रॉफी ना जीत पाने की बात पर सफाई दे रहे हैं। बता दें कि विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। ऐसे में लोगों का मानना है कि कोहली का ये स्टेटमेंट उनके खुद के करियर का समर्थन करता है। बहरहाल ये बात हम सब जानते हैं कि विराट कोहली एक महान खिलाड़ी है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।